नमस्ते दोस्तों, ऋषि की रसोई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अनुराग। आज जो रेसिपी हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं उसका नाम है तंदूरी चाय। तंदूरी चाय हाल में ही लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसे घर पर हम बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं तंदूरी चाय। चलिए हम बनाते हैं तंदूरी चाय। सबसे पहले मैं बर्नर को ऑन कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक कप ये फुल क्रीम मिल्क ले लिया है और मैं इसे इसमें डाल दूंगा। और अब मैं इसमें ये कुटी हुई अदरक भी डाल दूंगा और हमारे पास थोड़ी सी इलायची है जो हमें इसमें डालनी है। इलायची डालते समय ये बात ध्यान रखनी है कि इलायची जो है वो अदरक से ज़्यादा ना हो, वरना वो अदरक के टेस्ट को ओवरलैप कर जाएगी। और अब मैं इसके बाद इसमें थोड़ी सी पत्ती डाल दूंगा। पत्ती आपके अपने टेस्ट पर है, अगर आप कड़क चाय पीना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पत्ती डाल सकते हैं, अगर नॉर्मल चाय पीना चाहते हैं तो कम पत्ती डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर पत्ती डाल दी है। अब मैं दूसरे बर्नर को ऑन कर लूँगा। दूसरे बर्नर को ऑन करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये ना के बराबर पानी है जो हम इसमें डाल देंगे। और ये जो हमारे पास साफ धुला हुआ कुल्हड़ है, इसे अब मैं दूसरे बर्नर पर गरम करूँगा। इसे गरम करते समय थोड़ी सी बारीकी और थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है कि इसे हमें आराम से गरम करना है और हाथ से टच नहीं करना है। अब हम इन्हें उबलने देते हैं। हमारी चाय उबल रही है और हमारा जो कुल्हड़ है वो गरम हो रहा है और मैं चाय को थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। तो ये देखिए आप, ये प्रोसेस चल रही है और हमें कुल्हड़ को अच्छे से बारीकी से गरम कर लेना है, बिल्कुल तंदूर के जैसा। तो देखिए ये प्रोसेस चल रही है, इसे हम चलने देते हैं। कुल्हड़ हमारा गरम हो रहा है, इसे हम समय समय पर पलटते भी रहेंगे। इसे हमें पलटते रहना है। हमारी चाय उबल रही है और अब मैं चाय में चीनी डाल दूंगा। चीनी आपके अपने टेस्ट के अनुसार है, अगर आप मीठी चाय पीना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, और अगर नॉर्मल पीना पसंद करते हैं तो नॉर्मल डाल सकते हैं। कुल्हड़ जो है वो गर्म हो रहा है, उसे हम अच्छे से तंदूर के जैसा गर्म हो जाने देते हैं। ये देखिए कुल्हड़ बिल्कुल अच्छे से गर्म हो रहा है अंदर से, और चारों तरफ से हम उसे बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इस पाले पतीले को इस गैस पर ले आते हैं और कुल्हड़ को इस पर ले आते हैं ताकि ये और अच्छे से तंदूर के जैसा गर्म हो जाए, और इसे हम यहाँ पर स्लो कर लेते हैं। तो कुल्हड़ को अच्छे से हम गर्म होने दे रहे हैं। ये जो हमारा कुल्हड़ है वो गर्म हो रहा है। तो हमारी चाय जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं कुल्हड़ को आराम से इस संडेसी की सहायता से उठाकर इस चीनी मिट्टी के बर्तन में रख देता हूँ। अब देखिएगा जो मेन है यहाँ पर हमारी कुल्हड़ चाय का कॉन्सेप्ट, वो हम जो घर पर बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारी तंदूर चाय तैयार है। अब हम इसे आराम से एक दूसरे एक बर्तन में निकाल सकते हैं। तो हमारी तंदूरी चाय तैयार है, अब इसे आराम से आप एक ग्लास में या जिसमें भी आप पीना चाहते हैं उसमें निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं कैसा टेस्ट आया कुल्हड़ चाय का, क्योंकि हमारी कुल्हड़ चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। आइए देखते हैं। वाओ, अमेजिंग! इसमें जो टेस्ट आया, जो मिट्टी की महक आई है, वो बड़ी ही शानदार है। तो इसे आप भी घर पर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।